व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने घरों में शादोबाद रखे। तो आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग है, ये मैंने कीमा है, कीमा मैंने बनाया नहीं बल्कि घर का सालन बचा हुआ था उसका मैंने ये कीमे डाला है, और साथ मैंने आलू डालूंगी, और ये मैंने दही ली है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, टमाटर लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, और राइस लिए, ये मैंने भिगो दिया ठीक। और ये मैं प्याज जो है मैं इसको लाल कर लूँगी ठीक है, इसको जब ब्राउन कर लूँगी फिर इसमें पानी डालूँगी। व्यूअर्स, तो आज का हमारा व्लॉग है लेफ्ट ओवर आलू कीमा राइस ठीक है जी, वो मैं शुरू कर रही हूँ। ये मैंने प्याज जो है ये मैंने ब्राउन करने लगी हूँ, और इसके बाद मैं सारा बनाऊँगी। मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, टमाटर ऐड कर लूँगी, ये देखो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसमें, ये देखो ठीक है। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, ये देखें देखें, आप घर में आलू कीमा भर जाए, कोई सब्ज़ी भर जाए बच जाती है, तो उससे आप अच्छे खासे चावल बना सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त और बड़े मज़ेदार। और देखिए ना व्यूअर्स, वेस्ट करना तो वैसे ही गलत बात है, क्योंकि वेस्ट करने से तो नुकसान ही होता है, अल्लाह भी नाराज़ होता है। तो बेहतर है कि इसको आप अपने काम में लाएं और अच्छे इन्जॉय करें खा कर ठीक है। व्यूअर्स, मैंने साबुत गर्म मसाला डाल दिया, इसका टेस्ट ऐसे चावलों का आएगा कि जैसे फ्रेश आपने कीमा लिया और फ्रेश आपने आलू लिए, इस तरह से उसका टेस्ट बन जाएगा ठीक है। ये देखिए ये बड़ा टेस्टी बनते हैं चावल। मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दिए, टमाटर डाल दिया और नमक डाला है, और ये मैं इसमें ये पहले कीमा डाल दूंगी ठीक है। ये देखो ये कीमा डाल दूँगी, ये कीमा डालूंगी, फिर इसके बाद मैं विवेक आलू डाल दूंगी। ये मैंने आलू कटे हुए, ये कटे हुए आलू डाल दिए, ये देखो। आप इसमें आलू की बजाय मटर भी डाल सकते हैं और बंद गोभी भी डाल सकते हैं, जो आपका जी चाहता है वो डाल दें, लेकिन इस तरह बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसके साथ अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दूंगी। इसके अलावा ये मैं आधी चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दूंगी, क्योंकि पहले मैंने नमक मिर्च और कीमे में डाला हुआ, ये सिर्फ और ज़्यादा अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं डाल दूँ। और एक चम्मच मैं डाल दूँगी चाट मसाले का, ये इतना मज़े का बन रहा है ये देखिए ठीक है जी। अब इसमें मैं पानी डालूँगी, जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी, ये देखिए जी। जैसे ही अब इसमें उबाल आएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी ठीक है। ये अब इसमें उबाल आ गया, अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ, ये देखिए बिस्मिल्लाह रखना। मैंने इसमें ये डाल दिया, अब इसको मैं ये जब जैसे ही चावल पक जाएंगे थोड़े से, तो फिर मैं इसको 15 से 10 मिनट तक के लिए दम पे रख दूँगी ठीक है। ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल पक गए। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखिए कितने मज़े के बने हैं, ये देखिए आप खुद देखिए ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। आज हमने बनाया लेफ्ट ओवर आलू कीमा राइस, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, मुझे इसका फीडबैक भी दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा बहुत ही डिलीशियस सा व्लॉग, आज हमने बनाया लेफ्ट ओवर आलू कीमा राइस। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉचर्स और व्यूज़ दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर चैनल को फॉलो कीजिए और हासिल कीजिए मज़ेदार रेसिपीज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, अल्लाह के पास।
जरा। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा।